हेलो हाय फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन के ऊपर है। तो सबसे पहले हम ये पांच तरह के जो सीड अपने गार्डन के अंदर लगाने वाले हैं टेरिस गार्डन के अंदर ऑर्गेनिक ढंग से। तो आप देख सकते हैं मेथी, धनिया है, मूंगरे हैं, तो गाजर है और सरसों है। सबसे पहले हम मेथी से शुरुआत करेंगे। मेथी के जो सीड्स होते हैं इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा हाथ में लेना है। बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं मेथी के, आप देख सकते हैं मेथा होता है बिल्कुल वैसे ही इसकी बनावट होती है, लेकिन थोड़ा सा होते हैं बारीक साइज में है। तो इसको हमने इसको ऊपर छिड़कवा देना। पहले जो मिट्टी है मैंने तैयार कर ली थी, मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा आपका, तो मिट्टी पहले तैयार कर ली थी। आम नारा नॉर्मल गार्डनिंग सोयल है, इसके अंदर गाय का गोबर जो डीकम्पोस्ट हुआ हुआ डाला है और कुछ भी नहीं। इसको इस हर कोने के अंदर एक सार से बिछाएं, एक जगह इकट्ठा मत फेंकें। अगर पूछो में एक जगह पर उग जाएगी तो आपका जो उसकी जो ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। थोड़ा सा इस तरह से हम तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव करना है, ज़्यादा जोर से पानी नहीं देना। तो दोस्तों अब मैं सरसों लगाने वाला हूँ। सरसों जो है मैं वो जो भिंडी के मेरे पौधे हैं मैं उसके नीचे ही लगा दूंगा, क्योंकि ये भिंडी के पौधे हैं, अभी कुछ ही दिनों में भिंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो जब तक सरसों थोड़ा सा पुंगरना स्टार्ट होगी तो मैं इसको कट करके निकाल दूंगा। एक बार जितनी फ्रूटिंग हो रही है सरसों की वो मैं लेकर भिंडी की लेकर इसको ऊपर से कट कर देंगे। जो इसके रूट सिस्टम है नीचे ही रहने देंगे। तो लिक्विड फॉर्म में खाद डाल दूंगा मैं, इसमें कोई भी खाद नहीं डाला है, ऑर्गेनिक जो होता है बनाकर हम। तो गुड़ाई वगैरह मैंने कर दी थी, पानी मैंने आपका बताया ही है, एकदम से नहीं देना, फुहारे के साथ दें, थोड़ा सा छिड़काव करें ताकि आपके जो बीज बहकर एक साइड से दूसरी साइड ना चले जाएं। तो अब बात करते हैं गाजर की। जो गाजर है ये देखें मैंने इसका पैकेट खोल लिया है। तो गाजर के जो सीड्स होते हैं बीज, वो जैसे हमारा घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं जीरा, बिल्कुल वैसे ही होते हैं सौंफ या जीरा, उस तरह के इसके जो सीड्स होते हैं। तो मैंने इसको लंबी लंबी लाइनें लगा ली हैं इस एक क्रेट के अंदर, थोड़ा सा गैप रख के ही डालना है, लगाना है, ताकि जो इसके गाजर है थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे धीरे धीरे मोटी होती जाएगी तो क्या होगा कि इसको थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। और हम इसके अंदर थोड़ा बहुत खाद भी डालेंगे, जब खाद डालेंगे थोड़ा सा इसको गैप होगा तो हम उसके अंदर खाद डाल के गुड़ाई भी कर देंगे। तो मैं इसको इसके बाद सीड डालने के बाद इसको कवर कर कर पानी डाल दूँगा। पानी मैंने आपको बता ही दे दिया है कैसे डालना है। तो दोस्तों ये मैंने धनिया भी लगा दिया है मिट्टी में, आपको मैंने बता दिया था पहले ही, मैंने तैयार कर ली थी मिट्टी के अंदर क्या चीज़ मिक्स की है मैंने आपको बता दूं। जैसे कि हमने 80% मिट्टी से ली है एक पॉट के लिए, 20% खाद ली है। खाद जो है वो गाय के गोबर की है, पूरा एक साल पुरानी डीकम्पोस्ट हुई खाद है, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, ये यहाँ पर किचन गार्डन का मेरा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर मैंने सारे बीज सीड्स लगा दिए गए हैं। तो ये मूंगरों के बीज हैं, तो मूंगरे सीड्स जो क्या है कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नेक्स्ट पार्ट जो सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं इस तरह के किचन गार्डन वीडियो बनाता हूँ किचन गार्डन के रिलेटेड, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक ढंग से ही बनाता हूँ। अगर आप भी इसी तरह से अपने छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सब्जियां लगाना चाहते हैं, वो भी ऑर्गेनिक ढंग से बहुत ही कम खर्चे में, तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर। जो गहराई होनी चाहिए, अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जो कमेंट के आप देखेंगे तो मैं ज़्यादातर रिप्लाई सभी के देता हूँ जितने भी हो सकते हैं।